नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से पोजिशन में यहाँ पे वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, सैलरी के साथ साथ लास्ट डेट एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरी चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि फुल टाइम टीचर्स के लिए जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है साइंस सब्जेक्ट में, एंड ये जो है क्लास 6 to 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे सारे पूर्णकालिक शिक्षिका एंड अंशकालिक शिक्षिका का वैकेंसीज रिलीज किया गया है। पार्ट टाइम टीचर्स के लिए कंप्यूटर एंड स्काउट गाइड एंड फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। सैलरी की बात करें तो देखिए फुल टाइम टीचर्स के लिए आपको मिलेगा 24,200 रुपए प्रति महीना यानी कि 24,200 रुपीज पर मंथ, एंड एज लिमिट यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए जो है 25 से लेकर 45 इयर्स है, यानी कि मिनिमम 25 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 45 इयर्स, ठीक है। अंशकालिक शिक्षिका यानी कि पार्ट टाइम टीचर्स के लिए 12,181 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा, एंड ये जो है कंसोलिडेटेड सैलरी है, इसके साथ कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिलने वाला है बिकॉज ये सारे के सारे पोजीशन जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेखाकार की पोस्ट आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए आपको सैलरी मिलने वाला है 13,673 रुपीज पर मंथ, एंड उसके बाद जो है सहायक रसोईया के लिए भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। एंड एक चीज मैं बता दूं कि सारे के सारे पोस्ट जो है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के अलावा मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है गर्ल्स स्कूल है इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सहायक रसोईया के लिए अगर देखा जाए तो 6,433 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जो है उच्चकृत केजीबीवी के लिए पोस्ट है रसोईया, चपरासी एंड चौकीदार की पोस्ट है। रसोईया पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलने वाले हैं 8,577 रुपीज पर मंथ, एंड चपरासी चौकीदार के लिए सेम सैलरी है 7,147 रुपीज पर मंथ। तो क्लास 8 के 8 पास कैंडिडेट जो है वो रसोईया, चपरासी, चौकीदार एंड सहायक रसोईया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 11 वैकेंसीज टोटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने बताया कि समस्त पदों पर जो है महिला अभ्यर्थी का ही नवीन चयन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, यहाँ पे तो बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उनको अप्लाई करना है अलोंग विद ऑल योर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके पास मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करना है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपको एनवेलप में एनक्लोज करके सेंड कर देना है। एनवेलप के ऊपर जो है आपको सुपरस्क्राइब करना है कौन से पोस्ट के लिए वे अप्लाई कर रहे हैं, एंड वो जो है बहुत ही क्लियरली आपको लिखना है। यहाँ पे बताया गया है कि आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो एनवेलप के ऊपर आप जरूर मेंशन कर दीजिए कि कौन से पोस्ट के लिए आप वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एंड उसको जो है थोड़ा सा मतलब कैपिटल लेटर्स में, एंड थोड़ा सा मतलब अच्छे से पता चले, क्लियरली पता चले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने के लिए तो बताया गया है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। केजीबीवी का जो एप्लीकेशन मतलब नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसके साथ ही अटैच किया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये एक दिक्कत है। इसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगी कैसे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो पूर्णकालिक शिक्षिका रसोईया एवं जो सहायक रसोईया है उनको जो है यहाँ पे स्कूल की जो कैंपस है वहां पे ही उनको रहने की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन जो है आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है इनिशियली 1 ईयर के लिए, एंड उसके बाद अगर आपका सेटिस्फेक्टरी परफॉर्मेंस रहा देन आपका जो अपॉइंटमेंट है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए यहाँ पे जो है मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि काउंसलिंग द्वारा कराया जाएगा मेरिट के आधार पर। तो कैसे किया जाएगा उसका एक कैलकुलेशन आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट, देन स्नातक उपाधि एंड प्रशिक्षण यानी कि बीएड वगैरह।
जो भी परीक्षा आपने कंप्लीट किया है उसमें परसेंटेज में आपका कितना मार्क्स मिला है, यानी कि कितना परसेंटेज आया है, उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन 100 से आपको डिवाइड कर देना है। जो भी नंबर्स आएगा यानी कि जो भी अंक आएगा उसको आपको प्लस करते जाना है चारों स्टेज पर, आपका कितना बन रहा है। तो टोटल जितना बन रहा है उसको देख के यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है कि आप सिलेक्ट होते हैं कि नहीं, बाकी मैंने मतलब कि जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनके तुलना पर। ठीक है, अब जो चपरासी, चौकीदार, रसोईया एंड जो सहायक रसोईया है उनके लिए यहाँ पे जो है इंटरव्यू के तौर पर ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे देखिए सिर्फ क्वालिफिकेशन में सिर्फ 8+ कैंडिडेट लिखा गया है, तो 8+ कैंडिडेट के साथ साथ उनको कुछ क्वेश्चंस पूछना जरूरी होता है, तो इसीलिए जो है इंटरव्यू यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन होगा एक, एंड उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। लास्ट डेट क्या है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं 3 पेजेस का है बट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे नहीं है। एंड आपको जो है काउंसलिंग या फिर इंटरव्यू के लिए कोई भी TDA नहीं मिलेगा, तो अपने खर्चों से आपको अटेंड करना होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, 25 तारीख यानी कि 25 जुलाई इज द डेट आवेदन पत्र सेंड करने का, एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने का। तो आप जो है रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताऊं मैं कि ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो है आपका फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको जाना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद आपको दिखा दे, तो ये डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद की तरफ से आया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको आना है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट्स न्यू। तो वर्ड्स न्यू में यहाँ पे वैकेंसी नोटिस इन डिस्ट्रिक्ट, सॉरी वर्ड्स न्यू यहाँ पे आपको आना है एंड देन एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसीज इन कस्तूरबा गांधी स्कूल फिरोजाबाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे बट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे कोई भी एक पुरानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज अगर इसी को देखे तो देखिए यहाँ पे कोई भी जो है डेट वगैरह नहीं होता है, ईयर नहीं होता है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमने इसके इससे पहले बहुत सारे KGVV के जो है वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमेशा जो है नोटिफिकेशन के साथ अटैच किया जाता है एंड यहाँ पे कोई ईयर वगैरह नहीं होता है, तो आप इसी को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ठीक है यहाँ पे एक दिक्कत आ सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 को यहाँ पे दिया गया है, एक दिक्कत यहाँ पे आ सकता है, अदरवाइज कोई मतलब वो नहीं है, उपाय नहीं है। तो एक चीज वो कर सकते हैं, इसको जो है 24 आप कर सकते हैं, क्योंकि जो है ऑफिशियली जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है तो कैसे अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, ये एक दिक्कत है यहाँ पे, इशू है। बट अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है आपको रेगुलरली। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का कोई अलग से लिंक दिया जाता है PDF, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे अच्छा है नोटिफिकेशन, अगर आप चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। KGVV में अगर आपका एक्सपीरियंस होता है, आप सिलेक्ट होते हैं, तो फिर आगे जाके ये परमानेंट जॉब दिलाने में आपको मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क एनवायरमेंट है, कैसे आपको यहाँ पे कल्चर है, ये आपको सारे मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी 100% आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करने के लिए, एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, आपके फ्रेंड या फिर रिलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।